हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को लेकर के है और एक्सेल के अंदर खास चीज आज सिखाऊंगा, बहुत ही खास है। क्या खास है आइए दिखाता हूँ। यहाँ पर ये एक्सेल ओपन है, आप देख सकते हैं, और यहाँ पर एक डेटा मैंने लिखा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर राम लिखा हुआ है, ठीक है। अब जब मैं इसे डिफरेंट कलर से हाईलाइट करूंगा तो आपको पता चलेगा कि राम किधर की तरफ अलाइन है। आप देख सकते हैं यहाँ पे राम विथ बढ़ाता हूं मैं, तो राम जो है बाय डिफॉल्ट लेफ्ट की तरफ अलाइन है, यानी कि ये जो राम लिखा हुआ है ये किधर की तरफ गया हुआ है, लिखना स्टार्ट कहां से किया है, लेफ्ट से स्टार्ट किया है। तो क्या इसे सेंटर में लाया जा सकता है? बिल्कुल लाया जा सकता है। तो सेंटर में लाने के लिए यहाँ पे क्लिक कर देंगे, सेंटर में आ जाएगा। आप कहेंगे शॉर्टकट की, तो जी हाँ बिल्कुल शॉर्टकट की है। आप पहले अल्ट प्रेस कीजिए, फिर एच प्रेस कीजिए, फिर ए प्रेस कीजिए और फिर सी प्रेस कर दीजिए, ये सेंटर में आ जाता है, ठीक है। आप कहेंगे लेफ्ट में लाना है तो अल्ट एच ए आर कर दीजिएगा तो राइट में चला जाएगा, और अल्ट एच ए और एल कर दीजिएगा तो ये लेफ्ट में चला जाएगा। तो ये लेफ्ट राइट वाली बात तो समझ में आती है, लेकिन यहां पर इसको अगर मैं नीचे करता हूं तो आप देखेंगे कि ये बॉटम साइड में अलाइन है, न टॉप न मिडिल, किधर है ये बॉटम साइड में है। तो बॉटम साइड को मिडिल में लाने की शॉर्टकट की क्या है? आखिरकार इसको मिडिल अलाइन करना हुआ तो कैसे करेंगे, मिडिल में इसको कैसे लेके आएंगे, क्या शॉर्टकट की इस्तेमाल करेंगे कि ये मिडिल में आ जाए, ये भी हमें देखना होगा। तो आज के इस वीडियो में यही खास है, ठीक है। आइए देखते हैं कि शॉर्टकट की क्या यूज करेंगे जिससे ये मिडिल अलाइन अपने आप हो जाए, ठीक है, हमें यही करके देखना है। चलिए आइए बताता हूं। सबसे पहले तो आप इसे सेलेक्ट कर लीजिएगा, अल्ट प्रेस कर लीजिएगा, और अल्ट प्रेस करने के बाद एच प्रेस कीजिएगा, ए प्रेस कीजिएगा और एम कर दीजिएगा तो ये मिडिल में आ जाएगा। देखिए मिडिल में आ चुका है, ये ना ऊपर है ना नीचे है, मिडिल में है, सेंटर में नहीं है, ये अलग की बात है, सेंटर में करना होगा। तो अल्ट एच ए सी करिएगा तो सेंटर में भी आ जाएगा ये, ठीक है, देख रहे हैं ना कितना आसान है। तो अगर मिडिल में लाना है तो यही शॉर्टकट की है, अल्ट एच ए एम, ठीक है, मिडिल के लिए डोंट बी कंफ्यूज, आप अल्ट एच ए एम प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। मिडिल का तो हो गया, लेकिन टॉप का क्या करेंगे? तो टॉप के लिए देखिए अल्ट एच फिर ए और फिर टी करिएगा तो टॉप में चला जाएगा, बॉटम में लाना है तो फिर आप प्रेस कीजिएगा अल्ट एच ए बी, बी करिएगा तो बॉटम में आ जाएगा, मिडिल करना है अल्ट एच ए एम तो आप करना है अल्ट एच ए टी, अगर बॉटम करना है अल्ट एच ए बी। तो देखिए सारी शॉर्टकट चीज मैंने आपको बता दी, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा कि कैसे क्या करना है, ठीक है। अगर मान लीजिए मर्ज करवाना चाहते हैं तो मैंने पहले ही बता रखा है अल्ट एच एम एम तो ये मर्ज हो जाएगा, अनमर्ज करना है अल्ट एच एम एम दोबारा करिएगा तो क्या ये अनमर्ज हो जाएगा, जैसे देखिए यहां पर मैं इसको अनमर्ज करता हूं, अल्ट एच एम एम दोबारा कर दिया तो क्या ये अनमर्ज हुआ, तो यहां पे देखिए ये अनमर्ज नहीं हुआ, ठीक है। तो अनमर्ज करना है तो क्या करना है, अल्ट एच एम यू प्रेस करिएगा तो ये अनमर्ज हो जाएगा, देखिए अनमर्ज हो गया, ठीक है ना। तो ये सारी शॉर्टकट चीज है, उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।